हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिंह ब्लॉग। आज की इस वीडियो में आपके लिए चलूंगा खिलाड़ी, जो कि आपको पता ही होगा कि इंटीरियर प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो वो कहां तक पहुंचा है और क्या क्या काम हो चुका है वो मैं आपको दिखाऊंगा आज वहां पे जाकर के। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम हो रहा है। और एक बात बता दूँ कि अगर आप रांची से या फिर आस पास के क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का डिज़ाइन कराना, नक्शा बनाना या इंटीरियर का काम करवाना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ई मेल और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चल के देखते हैं किस प्रकार से काम हो रहा है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ साइट पे और यहाँ आप देखेंगे कि जो काम है वो काफ़ी कुछ हो चुका है। तो मैं लेके चलता हूँ ऊपर। सीढ़ी वाला जो है वो टायर मार्बल जो है वो कटिंग हो चुका है, लगना बाकी है, तो लगेगा 2-3 दिन बाद। ओके, तो आ गए हम ऊपर और ऊपर में दिखाते हैं कि फ्रंट में हमारा किस टाइप का काम हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चौखट जो है वो बन चुका है सनमाइका का, और देख रहे काफ़ी लाइट कलर में हम लोग यूज़ किए हैं। और इसका जो डोर है ना वो भी मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप से डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का डोर है ये। तो बीच में आपको ग्लास डोर देखने को मिलेगा। ओके, तो बीच में ग्लास का पार्ट बीच में दिया गया है। ओके, और उसमें लाइनिंग किया गया है स्ट्रिचिंग। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर देख पा रहे होंगे तो आप कि किस तरह का मॉडर्न डोर हमने डिज़ाइन किया ऑफिस के लिए। तो अभी किचन और बाथरूम का काम बाकी है, तो हम देखते हैं इधर पार्टीशन वाले पार्ट में। तो कुछ इस टाइप का दिया गया है यहाँ पे पार्टीशन। ओके, तो जो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हो गया रिसेप्शन वाला एरिया। और अभी फिर भी अभी कुछ 10 से 20% काम अभी बाकी है, तो वो सब अभी चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये पार्टीशन वाल हो गया। यहाँ पे आपको जो है वो केबिन है, हाफ केबिन छोटा वाला। ओके, और इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ड्रॉअर बनाया गया है, और नीचे जो है यहाँ पे टेबल के नीचे भी आपको यहाँ पे दिया गया है ड्रॉअर। तो कुछ इस प्रकार का ड्रॉअर रहने वाला है। ओके, और इसमें भी ये लगेगा आपका जो हैंडल होता है वो हैंडल वगैरह लगेगा। अभी कुछ कुछ काम बाकी है यहाँ पे। तो चलते हैं हम बाहर और दिखाते हैं कि किस टाइप का काम और बाकी है, क्या क्या हो चुका है। और टाइल्स वगैरह देख रहे हैं आप, किस टाइप का टाइल्स यहाँ पे लगाया गया है। वुडन टाइल्स का यूज़ किया गया है और पार्टीशन जो है लाइट कलर का यूज़ किया गया है, और टेबल जो है थोड़ा सा डार्क में, मतलब कि ब्राउनिश लाइट कलर में हम बोल सकते हैं कि इसका यूज़ किया गया है टेबल का ऊपर का सनमाइका यूज, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो वाइट के साथ में जो ब्राउन का कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, जो ड्रॉवर वाइट दिया गया है और टेबल का जो टॉप है वो आपको लाइट कलर में दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा मैचिंग कर रहा है। और जो पार्टीशन है वो ग्रे है, तो और भी अच्छे से उसको मैचिंग कर पा रहा है, एक तरह से मॉडर्न लुक दे रहा है पूरे ऑफिस को। जब लाइट वगैरह लग जाएगा, फॉल सीलिंग हो जाएगा, तब और भी अच्छा लगेगा। ओके, अभी लाइट वगैरह नहीं है इसलिए अभी थोड़ा सा आपको डलनेस यहाँ फील हो रहा होगा। ओके, जब लाइट लग जाएगा, अच्छे तरीके से फॉल सीलिंग हो जाएगा, तब आपको सारा कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी ड्रॉवर इस तरह का बनाया गया है, और ये हो गया छोटा बॉस केबिन। ओके, तो और एक इसका जो ग्लास देख रहे हैं वो स्टिचिंग किया गया है। डोर जो है वो भी लग चुका है यहाँ पे, और उसके बीच में ग्लास का डिज़ाइन हमने दिया है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो बड़ा बॉस केबिन है, तो बड़े बॉस केबिन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो डोर है वो सेम जैसा यहाँ पे भी बनाया गया है। ओके, तो कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन रहने वाला है। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइल्स जो है वो चेंज हो चुका है, वाइट में कन्वर्ट हो चुका है, और जो टेबल है उसका रंग जो है वो डार्क ब्राउन में दिया गया है यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर में आपको शाइनिंग जो है ग्लास जैसा फिनिश दिया गया है टेबल के ऊपर। ओके, तो ये थोड़ा सा ब्लैक मार्बल जो होता है ना उसका एक टेक्सचर यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है, सिर्फ टॉप पे और हल्का सा साइड में। ओके, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाला जो है वो डार्क ब्राउन में ही हमने पूरे टेबल को रखा है। और बनने के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह का मॉडर्न लुक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, तो आप देख सकते हैं किस तरह का डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर जो है वो ड्रॉवर बनाया गया है, जो कि दो पार्ट में है ड्रॉवर, यहाँ पर दिया गया है। ऊपर में ग्रे रंग का आपको दिखेगा टॉप में और साइड में, और जो फ्रंट है ना वो वाइट दिया गया यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कलर हर जगह एक ही कलर का यूज़ ना करें, थोड़ा सा मैचिंग करें, कॉम्बिनेशन बनाएं, उस टाइप से करके आप फिर डिज़ाइन करें।
अपने घर के लिए जो भी कर रहे हैं। तो ओके, तो इसमें एक रेक और बनने वाला है ऊपर में, बीच में ही, तो अभी बना नहीं है कुछ पार्ट, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है ये। हैंडल वगैरह सारा कुछ लगेगा, मैं जो फाइनल होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। इस स्टेप बाय स्टेप बनते जा रहा हूँ और मैं दिखाते जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी आप देख सकेंगे कि किस तरह से मैं बना चुका हूँ, जो भी डिज़ाइनिंग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो आप देख सकते हैं उसमें। ओके, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ड्रॉवर है स्लाइडिंग वाला, हैंडल वगैरह लगाना है अभी बाकी है। और इस जगह पे थोड़ा सा पूजा रूम बने, पूजा का एरिया बनेगा ऊपर में, तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा आपका यहाँ पे ये ड्रॉवर है, और ये लेफ्ट साइड राइट साइड जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूजा रूम बनेगा, पूजा का छोटा सा अलमीरा टाइप का। यहाँ पे आप देखेंगे फॉल सीलिंग हो चुका है, तो यहाँ पे हमने प्लाईबोर्ड से ये किया है जो भी फॉल सीलिंग किया है। और बाहर का जो पार्ट है ना, वहाँ पे हम लोग करेंगे जिप्सम बोर्ड से। ओके, तो जिप्सम बोर्ड से हम लोग का प्लानिंग है, वो भी मैं दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर में जो विंडो का है वो कवर कर दिया गया है लोहा का जाली बना करके। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सनमाइका है वो काफ़ी अच्छा लग्जरी फील देता है डार्क में, और उसके साथ में कॉम्बिनेशन देख रहे हैं राइट साइड में तो हल्का ग्रे में है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। हम लोग इसमें मेटल का स्ट्रिप लगाएंगे, जो गोल्डन का आपने अगर मेटल स्ट्रिप देखा होगा तो वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो उससे और लग्जरी फील आएगा। बहुत सारा चीज़ बाकी है अभी। तो ये आ गए हम बड़े वाले बॉस केबिन में। तो ये बड़े वाले बॉस केबिन का भी टेबल कुछ इस प्रकार का है, अभी ये भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, बट हो जाएगा कुछ दिन में ही। ओके, तो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर ड्रॉवर है। ओके, और एक साइड में पूरा पैक किया गया है, बॉक्स जैसा बनाया गया है, तो कुछ यूनिक टाइप का है, अलग है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो ये लकड़ी दिख रहा है पट्टी, छोटा छोटा लकड़ी का, तो इस टाइप से पूरा नीचे वर्टिकल तक पूरा आपको गोल्डन का स्ट्रिप आएगा, जो कि लग्जरी फील देगा पूरे ऑफिस को। ओके, तो इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया गया। यहाँ भी देख रहे हैं फॉल सीलिंग आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से हम लोग फॉल सीलिंग किए हैं, और अंदर से जो है वो लाइट फेंक बाहर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि वो LED लाइट लगाते हैं स्ट्रिप वाला, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।